हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम जॉर्डन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जो वीडियो आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। इसमें बहुत छोटी सी एक बात है जो आपको समझ में आ जाए तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में खुशी रहने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस स्टोरी को समझते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक महर्षि रहते थे और लोग उनके पास अपनी कठिनाइयां लेके आते थे और ऋषि उनके मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि जी के पास आया। ऋषि जी के पास आकर उसने पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहा जा सकता है। फिर ऋषि जी ने उनको जवाब दिया कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, तुम्हें वहाँ खुश रहने का राज मिल जाएगा। ऐसा कहकर ऋषि और वो व्यक्ति जंगल की ओर चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस व्यक्ति को कहा कि ये अपने हाथ में पकड़ लो और इसको लेकर चलो। उस व्यक्ति ने वो पत्थर उठा लिया और ऋषि के साथ जंगल की ओर तेज तेज चलने लगा। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा। लेकिन जब चलते चलते बहुत समय बीत गया, फिर उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया तो उसने ऋषि से कहा कि उसे दर्द हो रहा है। तो ऋषि ने कहा कि इस पत्थर को आप नीचे रख दो, और पत्थर को उस व्यक्ति ने नीचे रख दिया। और नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बहुत राहत मिली। और तभी ऋषि मुनि ने कहा कि यही है खुश रहने का राज। व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं। तो ऋषि ने उनको बताया जिस तरह इस पत्थर को आपने एक मिनट में हाथ में रखकर थोड़ा सा दर्द होता है, और इसी पत्थर को हाथ में एक घंटे तक रखें तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और इस पत्थर को बहुत ज़्यादा देर तक समय तक उठाए रखें तो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता जाएगा। इसी तरह दुखों का बोझ भी अगर ज़्यादा समय तक उठाएंगे और दिल पर ये दुखों का पत्थर रखे रहेंगे, और जितना ज़्यादा समय तक ये दुख और दिल और दिमाग में रखेंगे तो दुख बढ़ता जाएगा और दुख और निराशा रहेगी जीवन में। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों का बोझ कितने मिनट तक उठा सकते हैं। इससे ही अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये दुख रूफी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रख दें, और हो सके तो ये दुखों का पत्थर दिल पे ना रखें और खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ऋषि मुनि ने सिर्फ हमें ये चीज़ सिखाई है कि हम अपने दिल से खुश भी हो सकते हैं, अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं और क्या आपकी टेंशन है, और उस टेंशन को लेके आप सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। आप जितना जल्दी हो सके जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम है उसका निवारण करें। अगर वो आपसे निवारण नहीं हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए उस चीज़ को भूलने की, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे काबू में नहीं होती हैं, और अगर हम उसको इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे सोचें तो हम बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और अपने दिल पर बोझ रख के ना जिएं, जो भी दुख है वो निकाल फेंकें अपनी ज़िंदगी से और हमेशा खुश रहें। God bless you everyone.